इस रियल लाइफ स्टोरी में ड्रामा है, एक्शन है, थ्रिल है, सस्पेंस है और एंड में इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट की लर्निंग है ना, जो किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए या कोई भी इन्वेस्टर मार्केट्स में है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वो कहानी है जो आप कभी नहीं भूलने वाले। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष गोयला। अब किसी डिले के बिना कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1999 में और इस कहानी के सूत्रधार है मेरे पिताजी राहुल गोयला। कहानी वो आपको बता रहे हैं बस मेरे शब्दों में। 1999 ये वो टाइम है जब सबके हाथ में मोबाइल फोन नहीं होता था, जब सबके पास इंटरनेट नहीं होता था। उस समय कुछ बहुत कम घरों के पास इंटरनेट कनेक्शन होता था, सिफी का, सत्यम का, और आधे टाइम वो भी नहीं चलता था। तो जाहिर सी बात है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स थे वो आज की तरह नहीं थे। जो 99 के टाइम के स्टॉक ब्रोकर्स थे उनका होता था एक बहुत बड़ा ऑफिस। उस ऑफिस में कंप्यूटर्स लग रहे थे लाइन से और इन्वेस्टर्स वहां बैठते थे और डीलर्स जो कंप्यूटर बैठ रहते थे वो ट्रेड करते थे। इन्वेस्टर्स बोलते थे ये खरीद, ये बेच, ये खरीद, या फोन करके डीलर को बताते थे। ये उस जमाने की बात है। ये जो ब्रोकर ऑफिस होते थे ना, एक कोना इन ऑफिस में होता था जहां पे सब पुराने कंप्यूटर, खराब पीसी, कीबोर्ड, माउस भरे पड़े रहते थे। एक कोना होता था जहां छोटी सी पैंट्री होती थी, वहां पे चाय कॉफी तो पूरे टाइम बनती रहती थी। किसी ने कुछ खाने का सामान मंगाया तो जो प्यून होता था वो सामान खोल के गरम करके आपको प्लेट में सर्व करता था। और एक स्टैंड होता था जहां पे न्यूज़पेपर रखे रहते थे, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स रखी रहती थी, नए आईपीओ के लॉन्चेस के बारे में रखा रहता था जो कोई पढ़ता नहीं था, और एक टीवी कहीं कोने में लग रहता था जहां पूरे टाइम न्यूज चलती रहती थी। ये होता था उस समय का एक स्टॉक ब्रोकर ऑफिस। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कैसे डीलर्स एक तरफ बैठे और शीशे की दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स बैठे हुए और वो शेयर की प्राइसेस को देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब वहां पे इन्वेस्टर्स इकट्ठा होते थे तो दोस्तियां भी हो जाती थी, और वहीं पे मेरे फादर की दोस्ती हुई गगन जी से। और ये पूरी कहानी गगन जी की ही है। गगन जी उस समय 50 साल के लगभग थे। उनका सिल्वर में ट्रेडिंग का काम था तो वो फिजिकल सिल्वर को ट्रेड करते थे और अमीर आदमी थे। मेरे पापा बोलते थे कि उनका एक अलग ही रुतबा था, अलग ही स्टाइल था। उनकी गोल्ड चेन दिखती थी यहाँ पे पहनी हुई, घड़ी में एक ओमेगा की वॉच पहनते थे और सिल्क शर्ट्स पहनते थे, वो भी ब्राइट कलर्स वाली। ये थे गगन जी। अब कहानी में आगे बढ़ने के पहले मैं चाहता हूं कि आप गगन जी को जज ना करें और इमेजिन करिए कि आप उनकी पोजीशन में होते। जब मैं आपको ग्राफ्स दिखाऊंगा, हर चीज दिखाऊंगा, आपको पता है हाउ विल थिंग्स एंड, बट मैं चाहता हूं कि आप उनकी जगह होके सोचें और उनके इमोशंस को फील करें, तब एक्चुअल लर्निंग होगी। अब आया टाइम सितंबर 1999 का, और ये वो टाइम था जब इंडिया में आईटी बूम की शुरुआत हो रही थी। इस टाइम पे था पागलपना। किसी से भी बात कर लीजिए, किसी को भी सुन लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, सिर्फ एक चीज ही, आईटी इज द फ्यूचर। हिंदुस्तान को लेकर जाएगा आईटी, आईटी कंपनीज दुनिया पे राज करेंगी, आईटी कंपनीज विल बी नंबर वन। ये इतना यूफोरिया फैल गया था, इतना आईटी कंपनीज के बारे में पागलपन फैल गया था कि सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनीज की बात होती थी। जो कंपनीज थी विजुअल सॉफ्ट, पेंटा मीडिया, सिल्वर लाइन, जीटीएल टेक, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, यू सॉफ्टवेयर एंड HFCL। ये कुछ कंपनीज उन चुनिंदा कंपनीज में से है जो आईटी में थे और लोग इनके बारे में पागल थे। वो यूफोरिया इतना बड़ा था, आप याद करिए कोविड के बाद, आपको याद है क्रिप्टो करेंसी का कितना बड़ा यूफोरिया था। हर आदमी क्रिप्टो की बात कर रहा है, हर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो की बात कर रहा है, हर आदमी नया क्रिप्टो इन्वेस्टर बन गया। आप उसी यूफोरिया को इनटू 100 कर लीजिए, वो था आईटी बूम। मेरे फादर बोलते हैं आज तक उन्होंने उस टाइप का यूफोरिया नहीं देखा है। कोविड के बाद भी स्टॉक मार्केट का उस टाइप का यूफोरिया नहीं आया। वो टाइम वो था, अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकर से ये पूछे ना कि मैं नेस्ले में इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, वो स्टॉक ब्रोकर आपको बोलता अरे क्या बोल रहे हो सर, टॉफियों का जमाना गया, ये जमाना है आईटी का। दिस वॉज द आईटी क्रेज। यही आईटी बूम का क्रेज गर्ग साहब पे भी आया। उन्होंने स्टॉक चूज किया HFCL। एंड अगेन उन्होंने स्टॉक में कुछ खास फंडामेंटल स्टडी नहीं की थी, स्टॉक न्यूज में था, उनको प्राइस ठीक लगी, उन्होंने खरीद लिया। और साहब गर्ग साहब ने खरीदा ऐसा, उन्होंने खरीदे 8000 शेयर एट 189 रुपीज, 8000 शेयर्स एट 189 रुपीज, मतलब
15 लाख की इन्वेस्टमेंट। एंड अगेन आपको याद दिला दूं, मैं बात कर रहा हूं सितंबर 1999 की। उस समय 15 लाख में आप साउथ दिल्ली में एक 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आराम से खरीद सकते थे और उस प्लॉट की वैल्यू आज तो 12 करोड़ के ऊपर तो है ही है। गर्ग साहब के खरीदने के बाद स्टॉक कहां गया ये तो आपको दिख ही रहा है, बट मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझाना चाहता हूं। जब उन्होंने इतनी सारी क्वांटिटी में स्टॉक लिए, बात हर जगह फैल गई। वो स्टॉक ब्रोकर ऑफिस का जमाना है, डीलर ने 4 लोगों को बताया, 4 लोगों ने अपने क्लाइंट्स को बताया, क्लाइंट्स में बात हुई। उस स्टॉक ब्रोकर ऑफिस को छोड़िए, आसपास जो भी स्टॉक ब्रोकर ऑफिस थे सबको पता था कि एक गर्ग साहब हैं जिन्होंने HFCL के 8000 स्टॉक लिए। और IT बूम ऐसा था कि वो स्टॉक खुले सर्किट अप, स्टॉक खुले सर्किट अप। सर्किट अप वो होता है जब स्टॉक खुलते इतनी ज्यादा प्राइस में चला जाता है कि सेबी की रूल उसको फ्रीज कर देती है, उस स्टॉक को और आगे बढ़ने से नहीं रोकती। ये रिस्क कंट्रोल करने के लिए होता है। बट अब ये सोचो, एक स्टॉक जो हर दूसरे दिन अपर सर्किट पे खुल रहा है। मेरे पापा बोलते कि बात इतनी फैल गई थी और इतनी फेमस हो गई थी कि सबको पता था कि आज गर्ग साहब ने कितने पैसे कमाए। अरे आज तो गर्ग साहब ने और पैसे छाप लिए, अरे आज तो गर्ग साहब ने और पैसे छाप लिए। गर्ग साहब जब ऑफिस में एंट्री लेते थे ना, लोग खड़े जाते थे, तालियां मारते थे उनके लिए। और ये मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। लोग पूरे टाइम उनके आसपास पंडराने लग गए। अमीर आदमी तो आपको पता है, अमीर आदमी के दोस्त ऐसे बन जाते हैं। और उस समय हालत ये थी कि गर्ग साहब ना स्टॉक प्राइस देखते नहीं थे, 50 लोगों को खुद बताते थे। अरे गर्ग साहब आपको पता है आपका स्टॉक कहाँ चला गया, अरे गर्ग साहब आपको पता है HFCL कहाँ चला गया। तो वो स्टॉक प्राइस देखते भी नहीं थे, वो लोग उनको खुद सुनाते थे। और उनकी इतनी वाहवाही हुई, इतनी तारीफ हुई, इतनी जगह उनका नाम ऐसे फैला कि उनके अंदर ना एक रिच माइंडसेट आने लग गया। अब इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी होती है ऑफ नोशनल प्रॉफिट। ये थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपके एसेट की वैल्यू बहुत बढ़ने लग जाती है और आप एसेट को बेच नहीं रहे हो, आपके पास पैसे आई नहीं है, बट वैल्यू एसेट की बढ़ने लग जाती है, आप ज्यादा खर्चा करते हो। तो आप देखोगे कि बहुत बार जब हमारे घर में कोई रियल एस्टेट आपके पास एसेट है या कोई भी एसेट है, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी ना, आप खर्चा करने में आप हिचकिचाओगे नहीं, आप बोलोगे करो खर्चा। ये एक माइंडसेट होता है, ये बहुत इकोनॉमिक थ्योरी है। गर्ग साहब भी शायद इसी में थे, उनके अंदर रिच माइंडसेट आ गया, चौड़े होके बैठने लग गए। लोग बोलते सर ट्रेड, सर ट्रेड, सर आज तक ट्रेड नहीं पड़ी। गर्ग साहब बड़ी खुशी खुशी पूरे ऑफिस को ट्रेड, पूरे ऑफिस में समोसे, पूरे ऑफिस में गुलाब जामुन। उस ऑफिस में 40-50 लोग होते थे और गर्ग साहब खुशी खुशी देते थे। और जब इनका स्टॉक पीक के अराउंड था फरवरी 2000 में, इन्होंने कुछ स्टॉक्स बेचे ही थे बट वो फीलिंग थी रिच माइंडसेट वाली। इन्होंने खरीदी मारुति एस्टीम 1000 टॉप मॉडल, 1000 टॉप मॉडल। मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि बेटा तुम्हें लग रहा होगा वो गाड़ी मजाक है, बट उस गाड़ी का औदा आज की मर्सिडीज से भी 30 गुना ज्यादा था। बिकॉज आजकल तो मर्सिडीज आपको तभी सड़क में बहुत दिख जाएगी, बट उस समय गाड़ियां ही नहीं होती थी। और अगर किसी के पास एस्टीम 1000 टॉप मॉडल है तो सर सड़क पर हर चलता हुआ आदमी ना उनको सलूट मारता था। वो बन गया था उनका औदा। फिर आया सर 8 मार्च 2000, सिर्फ 6 महीने में, और मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 6 महीने में उनका स्टॉक 189 रुपीज से हो गया 2600, 189 से 2600 सिर्फ 6 महीनों में। उनकी जो ग्रोथ थी वो थी 1400% की सिर्फ 6 महीनों में। और अगर यही ग्रोथ आप साल भर का सोचोगे ना, तो एक साल में ग्रोथ होती 2800% की, 2800%। जहां पे उनके 15 लाख जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे अब हो गए थे 2,06,00,000। आप समझ रहे हो, 6 महीने में 15 लाख से 2,06,00,000, ये कितना बड़ा जंप है। जस्ट इमेजिन उनको कैसा मैसेज हो रहा होगा, उनको कैसा फील हो रहा होगा, मतलब ही मस्ट बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पापा ने मुझे बोला कि बेटा जब उनका पोर्टफोलियो 8 मार्च 2000 को 2 करोड़ की वैल्यू क्रॉस कर गया ना, सर एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की थी। और खुद वो स्टॉक ब्रोकर इतना खुश था, उस स्टॉक ब्रोकर ने अपने ऑफिस में हर जगह कन्फेटी लगाई, लाइट लगाई, मिठाइयां मंगाई, लड्डू मंगाए, गर्ग जी ऑफिस आए, पूरा सेलिब्रेशन हुआ, गर्ग जी ने भी खाना मनाया। मतलब वो पार्टी हुई थी जहां सब इतना खुश थे कि गर्ग जी का पोर्टफोलियो 2 करोड़ के ऊपर हो गया है। और 2 करोड़ आज कितना बड़ा अमाउंट है आप ये सोचिए, साल 2000 में जब आदमी 2 करोड़ कमाएगा उसकी खुशी का पारा ही नहीं होगा। बस फिर यहीं से उनका पासा पलट गया। बस फिर सिर्फ 13 दिन बाद, कितने 13 दिन बाद, वो स्टॉक 40% नीचे आ गया, 40% नीचे आ गया। जो स्टॉक उन्होंने लिया था 189 का वो हो गया था 2600 का, और अब वो गिर के आ गया था 1600। उनका 2 करोड़ का पोर्टफोलियो रह गया था 1 करोड़ का सिर्फ 13 दिन बाद। आप इमेजिन करिए
उस इंसान पे क्या बीती होगी, उसके दिल पे क्या बीती होगी जो 13 दिन में 1 करोड़ का नुकसान खा के आया है। और ये सिर्फ नुकसान नहीं था, ये एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन थी। क्यों? सबको पता था स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में कि गर्ग साहब के शेयर अब डूब गए, तो उनके ऊपर एक सोसाइटी का प्रेशर भी आ गया था और स्टॉक प्रेशर तो था ही था। बट बोलते हैं ना, उम्मीद का सागर कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और एक उम्मीद की इतनी बड़ी किरण आई जो सारे पासे पलट सकता था। यहां पे सर एंट्री होती है कैरी पैकर की। कैरी पैकर ये कोई मामूली इंसान नहीं थे, ये एक ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर थे, वर्ल्ड रेनाउंड थे, और इन्होंने HFCL का 10% स्टेक खरीदा था। उस समय इससे बड़ी FI इन्वेस्टमेंट कभी हुई ही नहीं थी। ये इतनी बड़ी न्यूज थी, आज भी अगर आप HFCL गूगल करेंगे ना और HFCL के विकिपीडिया पेज जाएंगे, आपको ये देखने को मिल जाएगा कि कैरी पैकर ने 10% का स्टेक लिया था। एंड जस्ट टू टेल यू, ये किस मैग्नीट्यूड में कवर हुआ था, इसकी किस मैग्नीट्यूड में हर जगह न्यूज फैली थी, किस मैग्नीट्यूड ने इस चीज ने सब इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत लिया था। और जब इनका इंडिया में वेलकम हुआ था ना, वो ऐसा कैसा वेलकम नहीं था। ये जब आए थे ना, इनको मालाएं चढ़ाई थी इंसानों ने नहीं, हाथियों ने इनको मालाएं चढ़ाई थी। ये आपको फोटो दिख रही होगी, यहाँ पे आपको हाथी का सूंड का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है कि कैसे इनको माला चढ़ाई थी। ये इतनी बड़ी चीज थी उस समय के लिए कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने इनको खुद वेलकम किया था। जब टिम कुक इंडिया आए थे ना, उनका भी इस लेवल पे वेलकम नहीं हुआ था। ये थे कैरी पैकर फॉर द इंडियन इकोनॉमी एट दैट टाइम, जिन्होंने सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की थी इन HFCL। और आपको एक और फोटो दिखेगी, और इस फोटो में आप देखोगे कैरी पैकर के साथ एक और KP है, और ये KP है केतन पारेख। बोला ये जाता है कि केतन पारेख ने कुछ स्टॉक्स को मैनेज किया था और HFCL उनमें से एक था, और ये भी बोला जाता है कि शायद वो कैरी पैकर से मिले हुए थे। अगर आपको केतन पारेख की पूरी केस स्टडी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए KP वीडियो, आप मुझे 1000 कमेंट दीजिए वीडियो आपकी। अब गर्ग जी की कहानी पे दोबारा आते हैं। हाँ, गर्ग जी टूटे थे, क्या उनको इमोशनली इफेक्ट था? बट कैरी पैकर की न्यूज के बाद तो भाई साहब एक अलग ही जज्बा जग गया उनमें, नहीं पूरे देश में, कि ये है IT बूम, अब बढ़ेगा हिंदुस्तान आगे, हिंदुस्तान तो पीछे हट ही नहीं सकता। न्यूज मीडिया भर गया, हर जगह भर गया IT, इन्वेस्टर्स ने भर भर के मार्केट में पैसा डाला, एंड स्पेसिफिकली IT कंपनीज में पैसा डाला। अब अगर गगन जी की बात करो ना, उनको दुख इस चीज का नहीं था कि वो 1 करोड़ रुपए हार गए, अब उनको दुख इस चीज का था कि काश उनके पास और पैसे होते कि वो HFCL में और पैसे इन्वेस्ट कर पाते। करते करते टाइम बीतता गया, सितंबर 99 में जो शेयर 189 का लिया था, 8 मार्च को वो शेयर 2600 के अराउंड पहुंच गया था, और वही शेयर मार्च एंड तक 1600 तक पहुंच गया था, और यही शेयर एक साल बाद मार्च 2001 में दोबारा 189 आ गया। गर्ग साहब के जो 15 लाख थे ना, वो 2 करोड़ तक गए और दोबारा 15 लाख पे आ गए। ये एक भद्दा मजाक था जो शायद भगवान ने ही उनके साथ खेला था। इससे बड़ी सजा कुछ हो नहीं सकती। सजा इस चीज की कि आपको दिखाए 2 करोड़ रुपए, आपको लगा सब, और कुछ ही मिनटों में सब पैसे साफ। कोई और सजा हो ना तो सजा खत्म होने के बाद इंसान चैन से जी सकता है, पर यहां पर चैन पूरी जिंदगी में नहीं आने वाला, बिकॉज जिंदगी भर ये रिग्रेट रहेगा कि 2 करोड़ रुपए थे, अपनी बेवकूफी से ना बेच के दोबारा 15 लाख लेके बाहर आ रहा हूं। आप एक बार सोचिए उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, शीशे में देख के कोसते होंगे अपने आप को, गालियां देते होंगे अपने आप को, क्यों, क्या, कैसे। दूसरे लोग शायद देते होंगे दिलासा कि कोई नहीं, भगवान जो चाहता है सही करता है, जो करता है ठीक ले करता है, पर जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, उस इंसान का ना भगवान से भी भरोसा उड़ जाता है। फिर यही शेयर की प्राइस 3 साल बाद मार्च 2004 में रह गई 10 रुपए। 10 रुपए गर्ग जी ने जो 15 लाख इन्वेस्ट किए थे 99 में, अब वो हो गए 80,000 रुपए। और यही वो टाइम है जब गर्ग जी को हार्ट अटैक आया। मैं चाहता हूं दोबारा समझिए उनके साथ क्या हुआ। 1999 में उन्हें 15 लाख रुपए डाले थे जो बन गए 2 करोड़, वो 2 करोड़ घट के हुए 1 करोड़, और आज वो 1 करोड़ घट के हो गए हैं 80,000। जिस इन्वेस्टमेंट में गर्ग जी को 2 करोड़ का फायदा हो रहा था, उसी इन्वेस्टमेंट में अब गर्ग जी को 14,20,000 का नुकसान हो रहा था। जब उनको हार्ट अटैक आया था, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेस था, पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई थी, बट ही रिकवर्ड, टच वुड।
बट उसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखना बंद कर दिया। जो भी उनके स्टॉक मार्केट के फ्रेंड्स थे, इन्वेस्टर फ्रेंड्स थे, उनसे भी बात करना बंद कर दिया, सब नाता तोड़ दिया, बिकॉज वो यादें संभाल ही नहीं सकते थे। गर्ग जी की कहानी बहुत दर्दनाक है। मुझे पता नहीं आपको सुन के कैसे लग रहा है, बट कहानी सिर्फ बताते बताते, वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मुझे डर लग रहा है। और फैक्ट की बात तो ये है कि हम इन्वेस्टर्स को ऐसी कहानियां हर गली कोने में मिल जाएंगी। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, और वो दो बहुत मेजर लर्निंग्स हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली लर्निंग कि जब कोई इन्वेस्टर मार्केट में आता है ना, उसकी क्या एज है फर्क नहीं पड़ता, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है फर्क नहीं पड़ता, उनके पास कितने पैसे हैं फर्क नहीं पड़ता, फैमिली कैसी है फर्क नहीं पड़ता, सब के सब सेम गलतियां दोबारा दोहराते हैं। गर्ग जी की गलती क्या थी? यूफोरिया में आ गए, आईटी बूम पे आ गए, सब आईटी कर रहे हैं वो भी आ गए, एचएफसीएल में पैसे डाल दिए, कुछ समझ नहीं आया, स्टॉक्स बेचे भी नहीं, लगे रहे। इसका सोल्यूशन है, आपको स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी समझनी होगी। मैं इसमें आपकी ऐसी मदद कर सकता हूँ कि मेरा एक पूरा मास्टर क्लास है जहां मैं आपको स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी समझाता हूँ, और ऐसे ही बहुत सारी केस स्टडीज, बहुत सारे फैक्ट्स, डेटा एंड इससे बचने का सोल्यूशन, सब कुछ आपको उस मास्टर क्लास में मिलता है। वो मास्टर क्लास 10,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं, और हाँ वो मास्टर क्लास पेड है, बट वो कॉस्ट करेगी आपको 2 पिज्जा से भी कम, बट जो वैल्यू मिलेगी वो होगी लाइफ लॉन्ग। सेकेंड लर्निंग जो हमें मिलती है ना, वो है फंडामेंटल्स की। HFCL फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ही नहीं, बट उन्होंने ले लिया। वहीं पे अगर उस आईटी बूम में वो इंफोसिस ले लेते या HCL ले लेते, उनकी हालत ऐसी नहीं होती, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो तो बहुत ज्यादा फायदे में होते। आज भी हमारे देश में ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, भरोसा आप खुद जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज लाइक सुजलॉन, वोडाफोन आइडिया, जो कंपनीज फंडामेंटली इतनी वीक है, इतनी ब्रोकन डाउन है कि उनके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा कम है। हाँ होने को कुछ भी होता है, बट चांसेस बढ़ने के बहुत ज्यादा कम है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप कंपनी खरीदो फॉर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, इट हैज टू बी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। और आखिर में मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में शेयर करिए, सो दैट ये मैसेज सब तक पहुंचे, और इस केस स्टडी को उसके साथ तो जरूर शेयर करिएगा जो स्टॉक मार्केट्स में 99 या 2000 के टाइम पे था ना, उनकी सारी पुरानी मेमोरीज रिफ्रेश देंगे, और आप उनको शेयर करेंगे ना, वो आपको 50 और कहानियां बताएंगे उस टाइम। और अगर आपको स्टॉक मार्केट्स की कहानियों में ऐसा ही इंटरेस्ट आता है तो हर्षद मेहता की केस स्टडी जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.